भाई आदि पुरुष फिल्म का जब से टीजर रिलीज हो गया तब से ये फिल्म जो वो काफी चर्चा में है। लोग इस फिल्म के छोटी से छोटी गलतियों को ढूंढने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। जैसे आदि पुरुष फिल्म से रिलेटेड कोई अपडेट आ रहा है तो लोग पेन पेपर लेकर ही बैठ जाते हैं कि भाई अभी इसमें तो कुछ तो गलती निकालूंगा ही मैं। लेकिन अब इसमें गलती किसकी कही, मेकर्स की या फिर पब्लिक की? सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, तो देखो भाई लोग जो वो अपना पैसा खर्चा करके फिल्म देखने के लिए जाएंगे और उसी के साथ साथ आप एक ऐसे टॉपिक पे फिल्म बना रहे हो जो कि एक इंडियन की सिर्फ हिस्ट्री नहीं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई कहानी है। तो यहाँ पे लोग जो वो सिंगल भी किसी भी तरीके की चूक जो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अभी कुछ दिन पहले आदि पुरुष फिल्म का एक छोटा सा पोस्टर रिलीज हुआ था जहाँ पे माता सीता, श्री राम प्रभु और लक्ष्मण और हनुमान हमें उस पोस्टर में नजर आ रहे थे। लेकिन लोगों ने वहाँ पे पॉइंट निकाला, वो ये था कि माता सीता के मांग में सिंदूर नहीं है। तो एक्चुअल में ये बात जो है वो वैलिड पॉइंट में आती है। तो बस लोगों की इसी बात को सीरियसली लेकर फिल्म के मेकर्स ने जानकी माता का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया जहाँ पे उनके मांग में सिंदूर ही नहीं बल्कि उनकी आंखों में आंसू भी है। यानी कि ये पोस्टर उस समय का है जब रावण माता सीता को लेकर जाता है। तक हमने प्रभु श्री राम जी के जितने भी पोस्टर्स देखे वहां पे वो हमें एक एंग्री लुक में नजर आए। तो देखिए दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स की एक बात बहुत ही अच्छी है और सच कहूं तो वो इस फिल्म की कहानी को बड़े दिल से बना रहे, क्योंकि उन्होंने पब्लिक की डिमांड को पूरा किया है। उनका यही कहना है कि हम एक ऐसी कहानी के ऊपर फिल्म बना रहे जो लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है। लोगों को इस कहानी के बारे में बहुत पहले से पता है, अब इसमें हम उसको किस तरीके से और किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे यही हमारा टास्क है। और लोगों को पसंद आए इसलिए लोगों के हिसाब से भी उन्होंने VFX में चेंज किया, पोस्टर में चेंज किया, एक छोटी सी भी गलती होगी तो उसे भी चेंज कर रहे हैं। यानी कि यही पता चलता है कि फिल्म के मेकर्स जो वो फिल्म बड़े दिल से बना रहे हैं। माता सीता का एक मोशन पोस्टर जो वो रिलीज किया गया जिसमें वो रावण के कैद में नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, प्रभु श्री राम की जुदाई का उनकी आंखों में वो आंसू नजर आ रहा है। और जिस तरीके से फिल्म का पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उससे इस पोस्टर पे वो और भी ज्यादा जान डाल देता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस मोशन पोस्टर में एक पैसे की भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ये फिल्म जो वो अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। पहली बात तो VFX कैसा ये देखने के लिए लोग थिएटर जाएंगे और दूसरी बात VFX अच्छा बनाए ये सोचकर भी लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर जाएंगे। तो दोनों साइड से ये फिल्म जो वो अच्छा खासा पैसा कमाने वाली है। तो ऑब्वियसली फिल्म जो वो थिएटर में देखने जैसी है। तो चले अब मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, यानी कि फिल्म के ट्रेलर अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, फिल्म जो वो नेक्स्ट मंथ में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो 8 मई को आ सकता है। अगर सोर्सेस की माने तो 8 मई इसका ग्रैंड इवेंट होने वाला है जहां पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा। और जितने भी लोगों ने फिल्म के ट्रेलर को देखा है, जो भी क्रिटिक्स है उन लोगों ने फिल्म के ट्रेलर को देखा है, तो उनका रिस्पॉन्स जो वो अच्छा है। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि भाई कहीं तुझे पैसे तो नहीं मिले इस फिल्म के बारे में अच्छा बोलने के लिए। देखो भाई, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मुझे पैसे मिले। तो जो कुछ मुझे मोशन पोस्टर में नजर आया, जो कुछ मुझे अभी वो आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स कर रहे हैं, ये बस मैं उसी आधार पे बोल रहा हूँ। और ये बात तो गारंटीड है कि ये फिल्म जो वो अब तक की ब्लॉकबस्टर फिल्म रहेगी। पठान ने यहाँ पे 1100 करोड़ का बिजनेस किया, अब ये फिल्म शायद उससे भी आगे जा सकती है। आपको माता जानकी का मोशन पोस्टर कैसे लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।